पुलिस अत्यधि आपका विचाले इस दौरान तक्का मुक्की भी देखने मिली है। सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होके मुजहरा कर रहे सन। पुलिस ने कई अध्यापकों को गिरफ्तार भी कर लिया। संगरूर के पीटीआई बेरोजगार अध्यापक यूनियन का मुजहरा तस्वीर देख पा रहे हो। एक पासे पूरा नेशन पूरा भारत अध्यापक दिवस मना रहा है, पर उतनी ही अध्यापकों का यह हाल हो रहा है। नेशन बिल्डर्स का मुजहराकारी बेरोजगार अध्यापकों पुलिस ने जबरी इस दौरान चुकया भी है। पुलिस अध्यापकों विचाले इस दौरान धक्का मुक्की देखने मिली। सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होके मुजहरा कर रहे सन। पुलिस ने कई अध्यापकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीर आप देख पा रहे हो। इस दौरान कई अध्यापकों को घड़ीसिया गया, कई अध्यापक हिरासत ले गए ने। मुजहराकारी बेरोजगार अध्यापकों पुलिस ने जबरी चुकया भी है। अपनी हकी मंगा लैके लंबे समय तो विरोध प्रदर्शन अध्यापक कर रहे हैं, पर अज संगरूर के तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अध्यापक दिवस मौके संगरूर अज पीटीआई बेरोजगार अध्यापक यूनियन वालों मुजहरा किया जा रहा है। अपनी मंगा लैके केंद्र सरकार कैप्टन सरकार तक आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जा रही थी, पर इस दौरान मुजहराकारी बेरोजगार अध्यापकों पुलिस की जबरदस्ती सहनी पई। गेट तोड़ के असं अंदर तां दाखल होए हैं भी पिछले 16 दिन तो असं लगातार चौंक दे विच बैठे हुए हैं। किसी मंत्री वालों किसी पीए वालों किसी वालों आके साड़ी सारनी ले गई गई। इस करके असं ये गुंगी बोली सरकार के कन्न खिलाने वास्ते अज ये जिहड़ा गेट तोड़ के असं गैसट हाउस के वड़े हाँ, क्योंकि सानू दबके मारे ने परचे करन दे। मैं इतने कहना चाहुंदा असीं तां पहलां मरे होए हाँ, साडियां उमरां लंघदियां जा रहियां, सानू तुसीं रुजगार तां दे नहीं सकदे। असीं तुहानू सारी जिंदगी याद करांगे, तुसीं परचे पवा दिओ, तुहाडी यादगारी तां बणे किसे काम च। मंत्री साहब असीं इस गैसट हाउस च अज पक्के तौर ते धरना ला के बैठांगे जद तक साडी पोस्टां दा इश्तिहार नहीं आंदा, क्योंकि असीं पैनल मीटिंगां तों थक चुके हां। इस खबर से साढ़े नाल साढ़े सहयोगी गुरदर्शन बन चुके हैं, सिद्धू नाल रुका लेने। गुरदर्शन साहब तो पहला स्थिति जानना चाहवांगी, उत्थों दी स्थिति की है, क्योंकि एक पासे पूरे भारत भर के अध्यापक दिवस मनाया जा रहा है, पर इतने अध्यापकों का इन्ना बुरा हाल हो रहा है। लंबे समय तो अपनी मंगा नूं लैके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल काफी जे गल करते हैं, अज टीचर डे दी जिहड़ा अज टीचर डे दिन है संगरूर दे विच गल करदे आ, पूरा टीचरां दा संघर्षमई दिन रहा। एक पासे टीचरां नूं अज सम्मानित कीता जा रहा सरकार वल्लों, पर दूजे पासे जिहड़ियां संगरूर दे विच तस्वीरां सामने आईआं ने, ते एक पासे बीआर टेट पास अध्यापक ने जिहड़े अपना खून कढ के अपने हक्की मंगां दे लई प्रदर्शन करदे नजर आए ने, दूजे पासे पीटीआई अध्यापक ने जिहड़े पिछले काफ़ी दिनों तो बरनाला चौंक दे विच इहनां ने पक्का धरना लाया होया है। इन्हों पिछले दिनों के धमकिया भी मिली ने कि अभी तुहाडे ते परचे कर देंगे, तुम आपका इतों धरना चको, पर अज इन्होंने जो विजेंद्र सिंगला जी ने सिक्ख्या मंत्री पंजाब उन्होंने अपनी कोठी छड के रेस्ट हाउस में अपना जिहड़ा दफ्तर बनाया होया है, ते अज उत्थे इन्होंने गेट तो बेरीगेट तोड़ के जिहड़ा रेस्ट हाउस के अंदर एंटर हुए थी। उस तो बाद पुलिस ने जिहड़ा इन्हों जबरी चक चक के घड़ीस घड़ीस के गड्डिया के सुटिया, पर यह देखने वाली गल है, बड़ी शर्म की गल है। जे एक पासे जिहड़े टीचर ने उन्हां नूं असीं सन्मान की गल कर रहे हैं, दूजे पासे जिहड़े टीचर की योग्यता हासिल कर चुके ने, ते ओह टीचरां नूं असीं घड़ीस घड़ीस के किदां दा सन्मान दे रहे हैं। जी कवि जी गुरदर्शन देख पा रहे हैं कि किवें पुलिस दे वल्लों इस दौरान घड़ीसिया जा रहा है। इन्हां अध्यापकों नूं नेशन बिल्डर्स आखे जांदे ने। गल तो यह है कि चोणां भी नेड़े आ गया ने, हर बार सरकार की करती है चोणां तो पहलां तां लोकां दीआं मुलाजमान दीआं मंगां पूरीआं कर दिंदी है, पर की इस बार वह भी देखने मिलिया देखने नहीं मिलिया। कैप्टन सरकार वालों कोई एक्शन नहीं लिता जा रहा, कोई मदद नहीं प्रदान की जा रही, लंबे अरसे तो देख रहे हैं असी। बिल्कुल कावी जी, जे पिछले दिन असी विजेंद्र सिंगला नाल गल भी की, गल करने दौरान उन्होंने कहा कि जिहड़े बीए जिहड़े अध्यापक ने जिन्नी सानू लोड़ सी असी भर्ती कर चुके हाँ, पर मैं पीटीसी वालों सवाल किया गया कि मंत्री जी तुहाडे सीएम वालों एक वादा किया गया सी जदों इलैक्शन दे विच खड़े होना सी, वादा किया गया सरकार बनाउण वास्ते कि असी घर घर नौकरी देवांगे, जेकर घर घर नौकरी देनी सी, पर अज क्यों
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸਰਦਾਬਦਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਾਵੀ ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਪੂਨ ਹਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।